GOT 24/7 में आपके साथ रेणु चौहान। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके बीएस येदियुरप्पा ने आज शक्ति परीक्षण से पहले ही अपने हथियार डाल दिए। विधानसभा में अपने 13 मिनट के भाषण को 8 मिनट में समाप्त करते हुए बीएस येदियुरप्पा ने अपना इस्तीफा दे दिया। बीएस येदियुरप्पा ने बहुमत परीक्षण से पहले इस्तीफा दे दिया है। इस बार वो केवल 2.5 दिन के कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं वापस आऊंगा, 150 से ज़्यादा सीटें जीत कर आऊँगा। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है और वो अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपने जा रहे हैं। बीजेपी के लिए सदन में 112 विधायकों का जादुई आंकड़ा जुटा पाना एक बड़ी चुनौती थी। कांग्रेस जेडीएस ने अपने एक एक विधायकों पर पहरा लगा रखा था और पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की नज़र थी। राज्यपाल वजूभाई वाला ने येदियुरप्पा सरकार को शपथ भले ही दिला दी हो, लेकिन येदियुरप्पा की सरकार का जाना तय माना जा रहा था। उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने इसे सहदर्द के दौर पर पेश किया। इसका नतीजा रहा कि बीजेपी एक साल के बाद जब चुनाव हुए तो 110 सीटों के साथ सत्ता में वापसी की। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा में 222 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। बहुमत के 112 सीटों की जरूरत थी। बीजेपी के 104 विधायक जीतकर आए हैं। जेडीएस के 38 और कांग्रेस के 78 विधायक और अन्य पार्टी के दो दलों के विधायक जीतकर आए हैं। येदियुरप्पा को बहुमत साबित करने के लिए 8 अतिरिक्त विधायकों की जरूरत थी, जिसे पार्टी नहीं जुटा पाई और फिर येदियुरप्पा ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। गौरतलब है कि कांग्रेस और जेडीएस बीजेपी से अपने विधायकों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्हें पिछले 4 दिनों से अपनी निगरानी में रखा और बीजेपी की सेंधमारी से बचाने के लिए उन्हें हैदराबाद ले जाना पड़ा। इसके बाद भी कांग्रेस के 2 विधायक ही आज सदन में नहीं पहुंचे। इनमें आनंद सिंह और प्रताप गौड़ा पाटिल मौजूद हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उनके विधायक को अपनी कैद में रखा हुआ है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए होम गार्ड 24/7 के साथ। धन्यवाद।